बिहार की जनता ने जब से काम करने का मौका दिया है तब से लगातार विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम करते आ रहे हैं। बिहार में पति पत्नी की भी सरकार थी, उनसे पूछिए जब हमने काम करने का मौका दिया तो क्या किया। केवल अपना काम किया, परिवार के लिए काम किया, जनता को सुध तक लेना जरूरी नहीं समझा। 15 साल जनता को उनसे हाल पर छोड़ दिया। हर प्रकार से कोशिश है कि यहाँ के लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिले। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। वे सोमवार को कुशेश्वर स्थान के धबौलिया में NDA से जदयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा, आजकल कुछ लोग पेपर में स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरे भाई, आपके परिवार की जब सरकार थी तो आपने परिवार ने इस इलाके को क्या दिया? यह भी जनता को चुनाव के वक्त आने वाले विपक्षियों से पूछना चाहिए। वर्ष 2005 से जब से प्रदेश में NDA के नेतृत्व में सरकार बनी, उसी वक्त से एक एक चीज पर कार्य करना शुरू किया। CM ने कहा कि हम लोगों के ऊपर बहुत लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। इस इलाके की बहुत सारी समस्याएं हैं, सबके निराकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। काम को पूरा होने में वक्त लगता है। RJD पर कटाक्ष करते कहा कि उनसे पूछिए कि क्या 15 साल पूर्व इस इलाके में बाढ़ नहीं आता था? कहां थे, क्या काम किया? अभी बाढ़ और सड़कों को लेकर बयान दे रहे हैं। सरकार की नजर एक एक विकास कार्यों में है, एक भी काम को नहीं छोड़ा जाएगा। हम वादा करते हैं चुनाव के बाद फिर से इस इलाके का दौरा करेंगे, छूटे हुए काम को पूरा करेंगे। हमको याद है इसी दरभंगा में बाढ़ के दौरान जब हमने एक एक क्विंटल अनाज दिया था तो लोग हमें क्विंटलिया बाबा बुलाने लगे। इसको हम आजीवन नहीं भूल सकते। कहा कि कुशेश्वर स्थान को बाढ़ से मुक्त करने की दिशा में जल संसाधन विभाग कार्य योजना पर काम कर रहा है। कहा कि सुदूर क्षेत्र के लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिले, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि यह हमारी इच्छा थी कि दरभंगा में एम्स बने। हम कितना पीछे पड़े रहे, तब निर्णय हुआ। CM ने कहा कि कुछ लोगों को काम में नहीं, कमाई में दिलचस्पी है। कहा कि जो काम कर रहे हैं उसका लाभ लोगों को जरूर मिलेगा। सभा को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, वैशाली की सांसद वीना देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, नगर विधायक संजय सरावगी, LLC अर्जुन सहनी आदि ने संबोधित किया। आपका एक समय ऐसा आ जाएगा जबकि आप लोगों को ये पता चलेगा। अभी तो हम एकदम हम तेजी से लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को जो बुरा असर है, लोग नहीं कर पाते हैं खेती, 6-6 महीना, कई जगहों पर 8 महीना पानी रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा, हम आश्वस्त करेंगे। और यहाँ की कुछ समस्या है तो अभी चुनाव का समय है, कुछ कहना ठीक नहीं है मेरे लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस चुनाव के बाद एक बार हम फिर आएंगे आपके बीच में और घूम करके कोई चीज अगर बचा हुआ है तो उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए आपके बीच में हम आएंगे, यही हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला में भी क्या किया गया बोलिए, अब एयरपोर्ट बन गया, केंद्र सरकार को बधाई है। अब किस तरह से हो रहा, राज्य सरकार की तरफ से उसके लिए और जो जमीन देना है उसका प्रबंध हो रहा। कितना बार हम दरभंगा में गए और क्या क्या इसके लिए किया, 18 में उसका शिलान्यास हो रहा था तब से लेकर के, और अब तो शुरू हो गया, अब और ज्यादा काम हो रहा। तो कौन सा काम है जिसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं अब पूरे तौर पर? और दरभंगा में तो हमारी इच्छा थी ना कि एम्स का दूसरा जो है, पटना में पहला एम्स बना था और दूसरा एम्स के लिए जो तय किया गया केंद्र सरकार ने, तो हम तो बार बार कहते थे, लोग तो सब जगह मांगते थे, हमने कहा था कि भाई पटना का मेडिकल कॉलेज पहला है और दूसरा है दरभंगा का मेडिकल कॉलेज, इसलिए पटना में अगर बन गया एम्स तो दूसरा एम्स बनना चाहिए दरभंगा में। हम कितना पीछे पड़े रहे, तब दरभंगा में एम्स का निर्णय हो गया, अब उसके लिए भी 200 एकड़ जमीन में, जरा जमीन में कुछ है उसको ठीक ठाक किया जा रहा है और वहां भी एम्स बन जाएगा। तो कौन सा काम हम लोग छोड़ते हैं?